हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? आशा है आप सभी अच्छे होंगे। एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान रुचि में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम फिर से आए हैं बहुत दिनों के बाद अपने खेत पर। सागवान के जो मैंने आप लोगों को बहुत पहले पेड़ दिखाए थे, अब वो देखिए कितने बड़े बड़े से हो गए हैं। आप लोग देख सकते हैं, मैंने इसका वीडियो लगभग 2.5 महीने पहले बनाया था, आप लोगों को दिखाया था। उस टाइम हम लोग यहाँ पर दवा का छिड़काव कर रहे थे, बहुत सारे कीड़े लगे हुए थे पेड़ों में। तो ये अब पेड़ बड़े हो चुके हैं, तो आज हम आए हैं घूमने, तो मैंने सोचा कि ये वीडियो हम आप लोगों के साथ शेयर करें। तो देखिए पेड़ तो बड़े हो चुके हैं, और साथ ही साथ ये जो बेर का पेड़ था इसमें बहुत सारे बेर भी लगे हुए हैं। मुझे नहीं पता था कि इस टाइम पे यहाँ बेर में पेड़। ये देखिए पाइप ले जा रहे हैं, पीछे पाइप ले जा रहे हैं, ये सिंचाई करने जा रहे हैं, तो इसलिए ये पेड़ पाइप लेकर के जा रहे हैं। और ये हस्बैंड हमारे हैं जो कि बता रहे हैं कैसे सिंचाई करनी है, कैसे नहीं करनी है। वो भी खेतों पे टहल रहे हैं, हम सब लोग एक साथ आए हुए हैं। और बेर में भी बहुत बेर लगे हुए हैं, और बहुत ही मीठे बेर हैं। शायद सर्दियों में ही बेर पकते हैं, और खाने में तो ये बहुत मीठे लगते हैं। शिवरात्रि पे बेर चढ़ाए जाते हैं, मुझे इतना याद था, लेकिन ये नहीं मालूम था कि इस टाइम अगर हम खेत पे आएंगे तो हमको यहाँ बेर खाने को मिलेंगे। तो यहाँ बहुत सारे बेर हैं, पके पके से मीठे मीठे बेर लगे हुए हैं। हम आपको दिखा दें, ये देखिए थोड़ा पास से हम आपको दिखा देते हैं, और इसमें बहुत कांटे भी हैं, तो हमने थोड़े से बेर तोड़े भी हैं, बहुत संभाल संभाल के तोड़े हैं। ये देखिए बाबू भी आया है हमारे साथ, ये हमारी बहन का बेटा है, हेलो करो बेटा। ये भी आया है हमारे साथ घूमने, खेतों की सैर करने आया है। और इधर और भी खेत हैं जिसमें कि मटर लगी हुई है, तो देखिए मटर के पौधे भी हम आपको दिखा देते हैं। मटर के पौधे किस तरह के होते हैं शायद आपने नहीं देखे होंगे। ये देखिए ये मटर है जो नीचे लगा हुआ है, ये हम आपको दिखा रहे हैं पर इसमें ये मटर लगे हुए हैं। ये देखिए ये मटर है, मटर की फलियां इसमें लगी हुई हैं। तो हम सब लोग यहाँ पे आए हैं घूमने, और ये जो मटर है ये खाने में बहुत टेस्टी लगता है, बहुत मीठा मीठा लगता है, कच्चा मटर है। क्या आप लोगों ने कच्ची मटर कभी खाई है? अगर खाई है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा फ्रेंड्स। इसके जो हरे हरे दाने होते हैं वो बहुत मीठे लगते हैं। तो हम लोग जब भी खेत पे आते हैं तो खेत की मटर ही खाते हैं, जो कि पूरी तरह से पकी नहीं होती है, आधी पकी आधी कच्ची होती है, उस तरह की हम लोग मटर खाते हैं, और ये खाने में बहुत अच्छी लगती है। तो ये देखिए हमने दो मटर तोड़ लिए हैं और हम खाएंगे इसको। खेत की सफाई करने वाली है, खेत की सफाई करवाने वाली है, इसलिए मजदूर हम ढूंढ रहे हैं। अगर हमको कोई मजदूर मिल जाएगा तो हम इस खेत की पूरी तरह से सफाई करवाएंगे। ये देख सकते हैं आप लोग कितनी सारी पत्तियां ढेर हैं खेत में, और थोड़ी घास भी है, तो घास तो ज्यादा नहीं है, लेकिन ये जो पत्तियां पड़ी हैं ये हम पूरी साफ करवाना चाहते हैं, ताकि कभी कभार हम खेत पे आए तो हमें गंदगी ना मिले यहाँ पर, क्योंकि बच्चे भी आते हैं साथ में तो घूम सके आराम से। तो इसलिए हमको इसकी सफाई करवानी है और सिंचाई भी करनी है, क्योंकि ये देखिए मिट्टी, यहाँ सारी मिट्टी सूखी हुई है, तो इसकी सिंचाई बहुत ज़रूरी है। अगर सिंचाई नहीं होगी तो ये पेड़ हमारे कमज़ोर हो जाएंगे, और पेड़ भी अब बड़े होने वाले हैं, लंबे हो चुके हैं, अभी ये मोटे नहीं हुए हैं, तो हमें इंतज़ार है इनके मोटे होने का। देख सकते हैं आप लोग कि अभी ये पतले पतले से हैं, ये सारे पेड़ अभी मोटे नहीं हुए हैं। तो देखा आप लोगों ने हमारा खेत, फिर से हम जब भी आएंगे तो यहाँ का व्लॉग हम आप लोगों को जरूर देंगे, दिखाएंगे आपको, अपने पेड़ों को दिखाएंगे और अपने खेत दिखाएंगे। तो हम फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में।